आपके पास आईफोन है तो आपके पास ये स्क्रीन हर रोज आती होगी 16 GB वालों के पास, और वैसे भी आपके पास हर एक 2 हफ्ते में आ जाती होगी। तो इसके बाद हम बात करें इसकी कुछ टिप्स की, आपकी बिना चीज़ें खोई खोए आप स्पेस कैसे बता सकते हैं। तो पहली बात जो है, सफारी में जाइए, सफारी में जाके आप नीचे जाइए, क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट डाटा। इससे क्या होगा, क्लियर हिस्ट्री वेबसाइट डाटा अगर आप 1-2 महीने में कर लेंगे तो आपके 50-60 MB आराम से बच जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे अगर और चीज़ों में, फ़ोटोज़ एंड कैमरा में, इसमें अगर आपके पास ड्रॉप बॉक्स अकाउंट है, गूगल अकाउंट है, आप उसमें डाल के, या फिर हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क खरीद लीजिए, या फिर नहीं खरीदनी तो ड्रॉप बॉक्स जो है वो तो है ही बेस्ट तरीका, हार्ड डिस्क से भी अच्छा, उसमें करप्ट भी नहीं होगा आपका डाटा, तो फ़ोटोज़ भी रहेंगी, स्पेस भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो है, आपके पास फ़ोटोज़ वगैरह भी आपके सेफ रह जाएंगी। और उसके बाद मैसेजेस जो है, मैसेजेस में कीप मैसेजेस जो हैं वो फॉरएवर पे हैं अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं कीप मैसेजेस फॉरएवर। इसके बाद 30 डेज कर दीजिए, इससे क्या होगा आपके 30 डेज में जितने भी मैसेजेस हैं 30 डेज पुराने वो डिलीट हो जाएंगे बेकार के। अगर आपको कोई रखने हैं तो आप उनका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ खींच के रख लीजिए, या फिर अगर आप फॉरएवर भी कर लीजिए अगर आपको रखने हैं तो। और अगर आपके पास एयरटेल वगैरह के फालतू के मैसेजेस आते हैं तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप जनरल में जाइए, स्टोरेज में जाइए, स्टोरेज में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, ये सोशल मीडिया वाली, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ये मैसेंजर वाली, इनमें क्या होता है मैं आपको एक बार जाके दिखाता हूँ। फेसबुक 205 जो डाटा है, डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा, इसको एक बार आप हर महीने 2 महीने अगर आपको फेसबुक वगैरह डिलीट करके दोबारा डाउनलोड कर लेंगे तो आपका डाटा कहीं नहीं जाएगा, लॉगिन कर लीजिए दोबारा सब कुछ वैसे ही रहेगा, पर जो है ये 205 जो डाटा है ये क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा खासा एक 500-700-800 MB या फिर 1 GB के करीब भी आपको इन सबको मिला के डाटा मिल सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप के जितनी भी ऐप चैट्स हैं उनमें जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो, और स्नैपचैट्स में भी आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डाटा 377 MB का, ये भी आप हटा के डाउनलोड कर लीजिए, और व्हाट्सएप की जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं जो आपको नहीं चाहिए वो डिलीट कर दीजिए, चैट्स वगैरह डिलीट कर दीजिए जो आपको नहीं चाहिए। और इसके अलावा मेल्स में जितनी भी मेल्स बेकार की हैं, जितनी भी स्पैम है, जंक है, वो डिलीट कर दीजिए। इसके अलावा फ़ोटोज़ में जब आप जाएंगे तो फ़ोटोज़ में आप डिलीट करी हुई फ़ोटोज़ भी रिसेंटली डिलीटेड में आती हैं, तो रिसेंटली डिलीटेड वाले फोल्डर में जाइए, हर महीने चेक करिए और उसमें से भी आप डिलीट कर दीजिए, तो आपका फ़ोन जो है 2-3 GB हमेशा खाली रहा करेगा। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत टिप्स मिली होंगी और आपका फ़ोन थोड़ा बहुत खाली रहेगा और ये मैसेज नहीं आएगा। और अवॉइड करिए, अगर आप 16 GB वाला कर सकते हैं, अगर आपको 16 GB वाला आईफोन लेना है तो उसे अवॉइड करिए, मैं तो ये कहूँगा। और बाकी अगर आपके पास है तो ये टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। और अगर हमें आपकी वीडियो पसंद आई हो या फिर हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।